ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देख रहे थे। अभी तक हम लोग चार टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने आपको समझाया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसे क्या होता है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक में देखा था कि फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड, जिसमें हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट है वो बराबर होंगे, एक कंडीशन होल्ड करेगा तभी वो हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, हमने वो कंडीशन देखा। और हमने ये भी देखा था कि अगर वो फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड होगा। ये हमारा सेकंड वीडियो था। थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो कैसे होता है, जिसमें हमने ये देखा था कि जो एम इंटू एन सिस्टम है उसमें एम प्लस एन माइनस वन इंडिपेंडेंट एलोकेशन हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। और इसके बाद हमने लास्ट में जो फोर्थ वीडियो था उसमें हमने देखा था कि लूप फॉर्मेशन कैसे करता है टीपीपी में, और लूप फॉर्मेशन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। और इसके बाद हमने जो और चीज देखा था कि मतलब हमने देखा था कि अगर लूप फॉर्मेशन कर रहा है कि वो इंडिकेशन होता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन के लिए इंडिपेंडेंट होने का जो इंडिकेशन होता है वो यही होता है कि वो लूप फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, आज हम जो देखने वाले वो देखने वाले कि हम लोग इधर इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और आज हम मेथड वन पढ़ने वाले हैं जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए दो एग्जांपल लिखा है। हम जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है वो हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान रूल है। पहले हम आपको देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉस्ट का टेबल दिया हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ पे चार डेस्टिनेशन है, तीन ऑरिजिन है, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स है और ये अवेलेबिलिटी है। पहला जो काम है हमें, अगर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो बैलेंस है वो दिया हुआ है नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम इसका हमें फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम पहले बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तो हम पहले अवेलेबिलिटी जो है उसको चेक कर लेते हैं। 30 + 50 + 20 = 100। और देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे 20, 40, 30, 10, 60 और 100। तो हम देख सकते हैं कि दोनों केस में जो है वो बैलेंस, जो मतलब कंडीशन ऑफ बैलेंस होल्ड कर रहा है। तो यहां पे हमें ये चीज तो हो गया कि हमारा जो बैलेंस है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे। देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में सबसे पहले इस पॉइंट से शुरू किया जाता है। देखिए यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे हम जो सबसे इन दोनों में जो मिनिमम है वो हम यहां पे बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए 20 और 30 में मिनिमम कौन सा है, 20। ठीक है, तो 20, तो इस रो में, इस कॉलम में और कुछ एलोट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जितना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट था वो हमने एलोट कर दिया है। इसका देखिए यहां पे ओरिजिन में देखिए 30 है, तो यहां पे 20 हमें एलोट किया, तो यहां पे और एक एलोट हो सकता है। यहां पे हम एलोट करेंगे जो रिमेनिंग बचा हुआ है 20 30, तो यहां पे 10 एलोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे 10, यहां पे 40, तो यहां पे हम कितना एलोट कर सकते हैं, यहां पे 30 एलोट कर सकते हैं, यहां पे 50 और 30 यहां पे एलोट कर सकते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 30 एलोट करेंगे। तो देखिए यहां पे 10 प्लस 30 40 हो गया, तो इसका ठीक है। तो देखिए यहां पे 30 है, यहां पे 50, तो हम 20 एलोट कर सकते हैं, और यहां पे 30 है, तो यहां पे हम 20 एलोट कर सकते हैं, तो हम यहां पे 20 एलोट करेंगे। तो देखिए हमने 20 एलोट कर दिया, तो यहां पे देखिए 30 है, यहां पे 20, तो हमें और 10 का रिक्वायरमेंट है, यहां पे 20 है, तो हम यहां पे 10 एलोट करेंगे। और देखिए यहां पे 10 हो गया, यहां पे 20 है, तो और 10 चाहिए, तो यहां पर 10 है, तो हम यहां पे लास्ट 10 एलोट कर देंगे। तो देखिए यहां पे लूप फॉर्मेशन का कोई बात ही नहीं है, तो लूप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए यहां तक तो हमने एलोट कर लिया है। आपको फॉर्मूला याद होगा कि हमें जेड कैसा आता है, जेड आता है हमारा समेशन आई वन टू एन समेशन जे वन टू एन सी आई जे एक्स आई जे। यहां पे सी आई जे जो है वो ए है, जो हमने यहां पे दिया हुआ है कॉस्ट, और एक्स आई जे जो हमने एलोट किया है। तो देखिए आप यहां पे बैठा, हम यहां पे जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने आपके निकाल दिया 310 आ गया। तो देखिए हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल अभी देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक चीज जो ध्यान रखना है, हमारा पहला काम क्या है,
हमारा पहला काम यही है कि हम जो सम ऑफ रिक्वायरमेंट है और सम ऑफ अवेलेबिलिटी, उन दोनों को चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल है मतलब कंडीशन ऑफ बैलेंस होल्ड कर रहा है तभी हम इसका फिजिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए ए आई और बीजे मतलब रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी को चेक किया है और दोनों इक्वल है, तो मतलब हमारा कंडीशन ऑफ बैलेंस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे का चीज चेक कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो नॉर्थ टू ईस्ट कॉर्नर रूल जैसे हमने एग्जांपल वन में सॉल्व किया था, ये भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला काम क्या है, हमें हम इस कॉर्नर पॉइंट से शुरू करें, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 70 और 85 में मिनिमम है 70, तो हम यहाँ पे 70 होल्ड मतलब 70 अलॉट करेंगे। तो इस रो में और कुछ अलॉट नहीं हो सकता है, तो हमें जो अलॉट होगा वो इस कॉलम में होगा, 70 है यहाँ पे 85 है, तो और कितने अलॉट करना है हमें, और 15 हमें अलॉट करना है। तो 15 हम कहाँ अलॉट करें, हम इसमें हम 15 अलॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15 अलॉट हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 15 है, तो देखिए यहाँ पे और कितना अलॉट करना है हमें, और 40 अलॉट करना है तभी इसका अवेलेबिलिटी कंप्लीट होगा, तो हम यहाँ पे और 40 अलॉट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 40 अलॉट हो गया, यहाँ पे 85 है, तो हमें और 45 अलॉट करना है, तो हम यहाँ पे 45 अलॉट करेंगे। देखिए, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी अलॉट करने से पहले आप हमेशा, अगर आप इसके हिसाब से अलॉट करें मतलब आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलॉट करें, तो आप एक बार के लिए आप अवेलेबिलिटी देख लेंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी से ज्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते। यहाँ पे 90 है तो हम 40 अब इसमें अलॉट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे हमें 20 अलॉट करना है, और इसी जगह पे और भी हमें 45 चाहिए, तो यहाँ पे हम 20 अलॉट करेंगे और यहाँ पे 25 अलॉट करेंगे। तो देखिए अभी हम चेक कर लेंगे एक बार, यहाँ पे 70 अलॉट हो गया, यहाँ पे 55 अलॉट हो गया, यहाँ पे 90 अलॉट हो गया, यहाँ पे 85 85 20 25, तो जो है सभी का जो रिक्वायरमेंट और जो अवेलेबिलिटी है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अभी हम जेड मिनिमम जेड निकालेंगे। तो देखिए हमने आपके लिए कॉस्ट निकाल दिया। तो देखिए इसके साथ हम लोग मेथड और यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम मेथड टू देखने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और अगर आप इसको फेसबुक देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।